ओम नमः शिवाय। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष शुक्रवार द्वितीया तिथि रात्रि 9:20 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में रात्रि 8:34 तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अनुराधा नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी शनिदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, खाने पीने के शौकीन और स्वतंत्र विचारों वाले, यात्रा प्रिय मानसिकता वाले, दृढ़ निश्चयी, उत्साही, प्रयोगवादी, आविष्कारक, गुप्त कार्यों में विशेष निपुण होते हैं। ऐसे जातक अपने धर्म को मानने वाले, विज्ञान तथा तकनीकी कार्यों में रुचि रखने वाले, सम्मान पाने के इच्छुक, उन्नतिशील और परिश्रमी होते हैं, मगर प्रतिशोध की भावना इनके अंदर बनी रहती है। यदि सहयोगी लग्न रहा मंगल और शनि की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी मंगल देव हैं। आज भी चंद्रमा की युति बुध और बृहस्पति के साथ बनी रहेगी, जिससे रचनात्मक क्रियाशीलता बढ़ेगी। हर काम मेहनत से संपन्न करने में सफल रहेंगे। अधिकारियों का सहयोग और सकारात्मक प्रेरणा बनी रहेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे, मगर राहु की पंचम दृष्टि पड़ने से निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय लेने में सावधानी बरतें, क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं। हालांकि बृहस्पति के साथ युति होने से नकारात्मक फल में कमी आएगी और प्रयास पूरे होंगे। अब हम मेष राशि के लिए कुंभ राशि के मंगल का गोचर की चर्चा करते हैं। मंगल कुंभ राशि में आ चुके हैं। यह शनि की अपनी राशि है, जिसमें मंगल शत्रु क्षेत्री माने जाते हैं। हालांकि मंगल सूर्य के नक्षत्र में चल रहे हैं। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर एकादश भाव में प्रभावी होगा। चूंकि मेष राशि के स्वामी स्वयं मंगलदेव हैं और इस समय लाभ भाव में चल रहे हैं, जिसकी चौथी दृष्टि धन भाव पर, सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर, आठवीं दृष्टि छठे भाव शत्रु भाव पर पड़ती रहेगी। चूँकि मंगल की चौथी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, इसलिए धन के मामले में सहयोग मिलेगा, आय में वृद्धि होगी, बंधु बांधवों का सहयोग मिलता रहेगा। मंगल की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे कार्यों में सफलता, हर कार्य करने के प्रति सकारात्मक पहल जारी रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, संतान संबंधी मामलों में सहयोग मिलेगा, बंधु बांधवों से लाभ होगा, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। मंगल की आठवीं दृष्टि शत्रु और रोग भाव पर पड़ रही है, शत्रुओं पर विजय प्राप्ति होगी। यदि वाद विवाद संबंधी कोई मामले चल रहे हैं या कोई मुकदमे चल रहे हैं तो उसमें विजय की संभावना बनती है, मगर साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर भी सावधानी रखनी चाहिए। मंगल शनि के घर में चल रहे हैं और कुंभ राशि के मंगल पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। शनि अभी धनु राशि में चल रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ने की वजह से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सावधानी रखनी चाहिए। चोट लगने का अंदेशा और रक्त विकार संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अपने खान पान को संतुलित रखें और समय समय पर उचित चिकित्सकीय परामर्श लेते रहें। सूर्यदेव को रोज अर्घ दें और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, लाभ मिलेगा। मेष राशि के जातकों के कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक सहयोग जारी रहेगा, मगर आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव, मन में नकारात्मक विचारों का आना और स्वास्थ्य के प्रति असंतुष्टि महसूस हो सकती है। कार्य योजनाओं में भागीदारी सफल रहेगी, मगर कुछ कार्यों में रुकावट या बाधा आ सकती है। संबंधित मामलों में यात्रा भी संभावित है। विरोधियों की वजह से अनावश्यक चिंता और हतोत्साहित महसूस करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अनुकूलता मिलेगी। पारिवारिक सुख सौहार्द और सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वैवाहिक मामलों में आज के दिन अनुकूल रहेगा और वाहन सावधानी से चलाएं। वृष राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। आत्मविश्वास में कमी, दुविधापूर्ण स्थिति का पैदा होना और कार्यों में रुकावट का संकेत भी मिलता है, मगर साझेदारी लाभदायक रहेगी। हालांकि कार्यों की अधिकता और नए प्रस्तावों के सामने आने का संकेत मिलता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों से सहयोग मिलता रहेगा। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे होंगे, मगर स्वास्थ्य संबंधी सावधानी विशेष तौर पर रखनी चाहिए। साथ ही पत्नी के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए।
मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र के विकास और नई कार्य योजनाओं के विस्तार का योग चल रहा है। रचनात्मक सक्रियता कार्य योजनाओं को सफल बनाने में सक्षम होंगी, मगर कुछ बाह्य कारकों से अवरोध की संभावना भी बनती है। साझेदारी सफल रहेगी, ईश्वरीय प्रेरणा और प्रशासनिक सहयोग जारी रहेगा। आर्थिक पक्ष में थोड़ी कमी संभावित है, मगर रुकी हुई योजनाएं चालू हो सकती हैं। निजी निवेश लाभदायक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, मगर मन में नकारात्मक विचारों का दौर और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का संकेत भी मिलता है। सावधानी अपेक्षित है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और आर्थिक लाभ में सहयोग मिलता रहेगा। आपकी कार्य योजनाएं सकारात्मक रूप से चलती रहेंगी। अधिकारियों के उचित दिशा निर्देश से आर्थिक लाभ संभव है। चंद्रमा के नीच राशि में होने से आपके ऊर्जा स्तर और आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव बना रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। साझेदारी के काम आज के लिए लाभदायक रहेंगे। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में चिंता बनी रहेगी और संसाधनों पर खर्च संभव है। स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वाहन सावधानी से चलाएं और पारिवारिक सुख सौहार्द को बनाए रखने की कोशिश करें। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से उत्साह और मन मुताबिक आर्थिक लाभ बना रहेगा। प्रयासों में सफलता मिलेगी, मगर रुके हुए सरकारी कामकाज में विवाद और हस्तक्षेप संभावित है। हालांकि निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी। अधिकारियों की प्रेरणा और कार्य क्षेत्र में प्रोन्नति के अवसर सामने आएंगे। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा। नवीन योजनाओं की पृष्ठभूमि तैयार होगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कन्या राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में विस्तार का मौका मिलेगा। अपने बुद्धि, चातुर्य और वाणी का प्रभाव कार्य क्षेत्र में लाभ दिलाएगी। साझेदारी के प्रस्ताव भी लाभदायक सिद्ध होंगे, मगर मन में भ्रम व नकारात्मक भावों के उतार चढ़ाव से कुछ कामों में अवरोध संभावित है। हालांकि आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। बच्चों से संबंधित मामलों में चिंता लगी रहेगी और अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। वैवाहिक प्रयास फलीभूत होंगे और मौसम संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों को वाणी में संयम और विचारों में सुधार की प्रेरणा मिलेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे और ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी। अपनी कार्य योजनाओं को सुचारू ढंग से पूरा करने में सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ मेहनत के अनुसार मिलता जाएगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक लेन देन में सावधानी रखें और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहें। शासन सत्ता व राजनीतिक व्यक्तियों से सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और मौसम के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही साथ वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। चली आ रही रुकावटें खत्म होंगी। चंद्रमा आपकी राशि पर ही हैं, मगर यह उनकी नीच राशि है। रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, मगर भावना प्रधान सोच विकसित होगी। मन में उठ रहे नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना जरूरी होगा। धैर्य और संयम से काम लेते हुए प्रयास जारी रखें। भ्रम की स्थिति संभावित है। आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। मित्रों व सहयोगियों से भी लाभ संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। धनु राशि के जातकों के बढ़े हुए आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का लाभ कार्य क्षेत्र के प्रगति में सहायक होगा और निरंतरता बनी रहेगी, मगर महिला वर्ग से सावधानी अपेक्षित है। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। संतान संबंधी दायित्व की पूर्ति होगी और संबंधित मामलों में खर्च संभव है। कार्य क्षेत्र में यात्रा का योग बनता है और नई कार्य योजनाओं के विस्तार में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा, मगर किसी मामले को लेकर अनावश्यक वाद विवाद और हस्तक्षेप संभावित है। सावधानी बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी।
मकर राशि के जातकों को तात्कालिक भावावेश को नियंत्रित रखना चाहिए। मंगल आपके दूसरे भाव में चल रहे हैं, निचस्त चंद्रमा 11वें घर में चल रहे हैं। साथ ही राहु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, जिससे वाणी में उग्रता, निर्णय लेने की क्षमता में उतार चढ़ाव और अनावश्यक वाद विवाद की संभावना बनती है। हालांकि अधिकारियों का सहयोग और विभागीय अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। साझेदारी सफल रहेगी। पारिवारिक सुख संतुष्टि में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। प्रयास जारी रखें और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कुंभ राशि के जातकों के आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा, मगर मानसिक संवेदनशीलता और विरोधियों के सक्रिय होने से योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। सावधानी अपेक्षित है। हालांकि कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और साझेदारी के प्रस्ताव लाभदायक रहेंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। वैवाहिक प्रस्ताव सफल रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, आय के नए स्रोत बनेंगे और धार्मिक भावना बलवती होगी। चल रही योजनाओं में गति आएगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे। आर्थिक लाभ के लिए सहयोग जारी रहेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। विरोधियों से सावधानी और सार्थक पहल जारी रखें। पारिवारिक सदस्यों की सलाह पर अमल करें, लाभ मिलेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। साथ ही मौसम संबंधी संक्रमण से सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें। वैवाहिक प्रयास सार्थक होंगे और देव दर्शन के योग बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।